चलिए दोस्तों, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ चुका है, बिग बिलियन डेज आ चुका है, दिवाली ऑफर आ चुका है। क्या आप अपने मनपसंद स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो 50% डिस्काउंट में? अगर हाँ तो जल्द से जल्द आइए फ्लिपकार्ट पे और खरीदे। ऐसे कुछ ऑफर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या स्नैपडील पे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील ये सब पैसे कैसे कमाती है, इनकी अर्निंग सोर्सेस क्या है? आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि मैं आप सभी को बताऊंगा बेसिकली फ्लिपकार्ट बिजनेस मॉडल के बारे में, लेकिन आप ये तरीका समझ सकते हो अमेजन या फिर स्नैपडील जो है ये भी अपनाती है। तो आप जरूर ये वीडियो को पहले से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को पे, आइए जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा ये है कि मैं डायरेक्टली मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरह कि फ्लिपकार्ट जो है वो कैसे काम करता है, इसकी अर्निंग सोर्सेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाते हैं ऑफिशियल साइट पे फ्लिपकार्ट की जो है, यहीं पे ही हम चेक करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर का नाम लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सेलर है वो है V1। अब बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोडक्ट को जो भी सेल कर रहा है, ये जो सेलर है, जो भी प्राइस है इसका कुछ परसेंटेज जो है ये फ्लिपकार्ट एज ए कमीशन रख देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सेलर्स अलग अलग है। देखिए ये सब मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, स्नैपडील हो, ये सब क्या है, मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सब खुद अपनी ओर से कुछ भी सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो अपना खुद का एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट में WS रिटेल है, ये जो सेलर का नाम है ना वैसे WS रिटेल होगा। फिलहाल अभी शायद WS रिटेल ने पुल आउट कर दिया है फ्लिपकार्ट से, लेकिन आपको पता होगा अगर अमेजन पे आप जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा क्लाउड टेल। बहुत सारे सेलर में आप देखोगे लिखा हुआ होगा क्लाउड टेल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ऐसा लॉ है कि यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है ये खुद सेल नहीं कर सकती है प्रोडक्ट, तो वो जॉइंट वेंचर बनाते हैं। जैसे क्लाउड टेल जो है या फिर एपेरियो, और एक भी है एपेरियो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये भी बेसिकली एक सेलर है अमेजन के अंदर, ये रहा एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि वो खुद सेल नहीं करते हैं, तो एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अमेजन जो है ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। वैसे यहां पे अभी तक WS रिटेल था फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं पहले सेलर्स को कैसे पैसे मिलते हैं। आपको यहां पे देखिए सेल ऑन फ्लिपकार्ट में जा रहा हूं, ठीक है। अब देखना, आप देखो कि यहाँ पे अमेजन पे कोई प्रोडक्ट को जब आप सर्च करोगे वहां पे देखोगे बहुत चीजों में क्लाउड टेल आएगा, क्लाउड टेल सेलर का नाम। तो वो बेसिकली जॉइंट वेंचर होता है, खुद की कंपनी होती है अमेजन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप सेल करना चाहते हो तो देखिए सेलर को कैसे यहाँ पे पैसे मिलते हैं और कैसे फ्लिपकार्ट कमीशन कमाता है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइसिंग है, तो फ्लिपकार्ट में आप देख सकते हो प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेटलमेंट अमाउंट होता है, सेटलमेंट अमाउंट मतलब जो भी सेलर यहाँ पे आता है, जो आप प्राइस देखते हो ना प्रोडक्ट के आगे, तो वो जो प्राइस है ना वो बेसिकली टोटल प्राइस होती है, तो उसका कुछ डिडक्शन होके सेटलमेंट अमाउंट जो है वो सेलर को मिल जाता है, जो कि क्रेडिट हो जाता है 7 से 15 दिन के अंदर। तो वो सेटलमेंट अमाउंट क्या है, ऑर्डर आइटम वैल्यू। अब ये बेसिकली क्या है, ये जो प्राइस लिखी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल 845, ये है ऑर्डर आइटम वैल्यू, ठीक है। इसमें सेलिंग प्राइस है, शिपिंग चार्जेस पेड है, सब कुछ यहां पे है। उससे माइनस क्या होगा, मार्केट प्लेस फी, ठीक है। मतलब इसमें जो शिपिंग फी होता है, जो फिक्स्ड फी होती है या फिर सेलिंग कमीशन होता है वो माइनस होगा, उसके बाद GST माइनस होगा, ठीक है। कमीशन फी जो होता है, कमीशन फी का मतलब ये होता है जो भी आइटम यहां पे है उसके ऊपर कुछ कमीशन होगा, डिपेंड करता है कमीशन की कैटेगरी वहां पे क्या है, क्या प्रोडक्ट वो सेलर सेल कर रहा है उसके ऊपर बेसिकली कुछ परसेंटेज होता है जो कि फ्लिपकार्ट ले जाता है। फिर शिपिंग भी, शिपिंग फी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखो खुद का शिपिंग होता है, जो फ्लिपकार्ट है ना उनका खुद का एक शिपिंग होता है, तो वो मैंडेटरी कर देता है कि कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि सेलर को बताते हैं कि अपनी ओर से वो शिप करेंगे और शिपिंग कॉस्ट आप दे दो हमें, ठीक है। अब ये कलेक्शन फी होता है, हाँ कलेक्शन फी सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है। कलेक्शन फी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पहले खुद की पेमेंट गेटवे नहीं थी फ्लिपकार्ट की, ठीक है, लेकिन अब एक नई गेटवे आ चुकी है जो कि है पेपीज। अब यहां पे आप देख सकते हो पेपीज जो है ये
इनकी खुद की एक पेमेंट गेटवे है फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे के जरिए जो है फ्लिपकार्ट पैसे कमाती है। तो कलेक्शन फी जो है ये फ्लिपकार्ट ले लेती है सेलर से। इसके अलावा यहाँ से पेमेंट गेटवे के जरिए अलग अलग मर्चेंट के लिए भी जो फ्लिपकार्ट है वो पैसा लेती है। और तो ये उनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स्ड फी एक है, स्मॉल फी डट फ्लिपकार्ट चार्जेस ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे फ्लिपकार्ट ये चार्ज करती है। अब शिपिंग फी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, अलग अलग वेट के ऊपर। जैसे आप नॉर्मली कोरियर करते हो कोई भी सामान, वैसे ही है कि 0 से 0.5 kg के अंदर अगर हुआ लोकली 30 rupees ये होगा, जोनल में ये 45 मतलब इंटर जोन, और नेशनल में 65। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग टीयर्स होते हैं। जैसे अगर नॉर्मली कोई सेलर यहाँ पे आता है तो वो ब्रॉन्ज सेलर बन जाता है, फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे वो धीरे धीरे सिल्वर होता है, गोल्ड टीयर होता है। तो यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर कि कौन से टीयर में सेलर है। अगर वो ब्रॉन्ज में है थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो शिपिंग कॉस्ट है, अगर वो सिल्वर या गोल्ड में है तो 20% 10% डिस्काउंट मिल जाता है उनको, ओके। तो ये रही बात अगर मैं आपको बताऊं सेलर के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मली और कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट होती है, तो यहां पे आप देख सकती हो, ये देखो स्टार्टिंग होम पेज पे जो है ये आ जाता है, ठीक है। ये फ्लैश होता है, ये देखिए, ये है बैनर एडवर्टीजमेंट के लिए। मतलब यहां पे देखिए अलग अलग ब्रांड्स होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे वो उनको बताती है कि स्टार्टिंग में जो जगह है एडवर्टीजमेंट के लिए, आप हमें पैसे दो और हम आपके सामने ये दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे Redmi Note 6 Pro जो है, तो ये इसको हायर करने के लिए, ये जगह देने के लिए फ्लिपकार्ट उनसे पैसे लेती है, ठीक है। Redmi Note 6 Pro ऐसे यहाँ पे भी आप साइड में देख सकते हो। तो ये सब क्या होता है, ये ब्रांड्स जो होती हैं वो पैसे देती है फ्लिपकार्ट को। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आज एक फ़ोन रिलीज होता है वो न्यूज़पेपर में सबसे पहले आ जाता है। तो वो फोन जिस कंपनी की है और अगर वो फ्लिपकार्ट में सेल हो रहा है वो फोन, तो दोनों में क्या होता है, यहाँ पे को एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। अगर फ्लिपकार्ट को यहाँ पे एड दिखानी है तो वहां पे फ्लिपकार्ट खुद पैसे नहीं देती है, यहाँ पे पैसे जो है वो शेयर हो जाते हैं फोन कंपनी में और फ्लिपकार्ट में। अगर एसुस का कोई फोन निकलने वाला है और अगर वो एक्सक्लूसिवली निकलने वाला है फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट अगर चाहेगी तो वो न्यूज़पेपर पे एड डाल सकती है, और एड की जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ फ्लिपकार्ट नहीं देगी, यहाँ पे एसुस वाले ही देंगे। तो यहाँ पे वो को एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पेपीज जो है ये उनकी गेटवे है। पहले अलग अलग गेटवे फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनकी खुद की आ चुकी है गेटवे। तो गेटवे के जरिए अलग अलग मर्चेंट के जरिए वो पैसे यहाँ पे कमाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 2000 से कम होगा तो यहाँ पे 0.75% की प्राइस होती है, और ज़्यादा अगर होगा 2000 से तो यहाँ पे 1% की प्राइस होती है, जो कि एज ए कमीशन फ्लिपकार्ट जो है ये चार्ज करती है। तो यहाँ से भी एक रेवेन्यू उनको मिल जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे उनकी जो ज्वाइंट वेंचर में जो कंपनी है वो भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।